हाँ जी बेटा, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज इस वीडियो आप डिस्कस करांगे प्रैक्टिस टेस्ट श्री छेवीं जमात दसवीं लई साइंस नैस बुकलेट के बिचों। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट कर दें अपनी अज की वीडियो। इन्हां आंसर्स नूं ध्यान नाल तुसीं टैक करना बेटा, अपनी कॉपीज़ के उपर जां अपनी नैस बुकलेट के उपर। इन्हां विचों काफ़ी क्वेश्चन जो तुहानू फाइनल एग्जाम जां टर्म वन लई पुछे जाणगे। ठीक है बेटा, चलो आपां स्टार्ट करते हैं। फस्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाई अपघटन क्रिया दौरान कि गैस या गैसा निकलदिया हैं। जो असी आयरन सल्फेट नू हीट करते हैं तो साढ़े को एक तो आयरन का ऑक्साइड बनता Fe2O3, एक सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है गैस, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब दोनों गैसेस निकलदिया ने, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब दूजा तो तीजा ऑप्शन दोनों आउणगे सही। इत्थे इन्होंने चौथी ऑप्शन में ए तो बी लिखा हुआ है, ये गलत है। इतने आना सी सॉरी दूजा तो तीजी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जड़े निकलते हैं। ठीक है बेटा, नैक्सट जमात में अध्यापक ने दसा कि लोहे में जंगाल उदों लगती है जब लोहा ऑक्सीजन के पानी में प्रतिक्रिया करता है। ये रसायनिक क्रिया की किस्म है, इसकी रसायनिक समीकरण भी लिखो। कि रिएक्शन है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये ऑक्सीकरण तो लघुकरण दोनों होंगे ने। तो आयरन है जिहड़ा ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटड आयरन ऑक्साइड बना, जिन्होंने असं जंगाल बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, चूने के पानी का रसायनिक सूत्र की है? चूने के पानी का रसायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पहली ऑप्शन। प्रेम चों लंघन वेले किहड़ा रंग सब तो घट झुकता है? किहड़ा रंग सब तो घट झुकता है? रैड। जिहड़ा लाल कलर है वह सब तो घट झुकता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होंगी है। ठीक है, उसकी जिहड़ी तरंग लंबाई ज़्यादा होंगी है, वह सब तो घट झुकता है। तो जो आपां नूं सब तो वध झुकता पुछ लैण फिर असीं की लावांगे? जामनी। ठीक है बेटा, निम्नलिखित बिरक विचों कि डाबनियर की तिकड़ी नहीं है? लीथियम सोडियम पोटाशियम ए भी है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम भी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी है, कि नहीं है? ब्रीलियम मैगनीशियम तो क्रोमियम, यह डाबनियर की तिकड़ी नहीं। किसी खास शैल में मौजूद सब तो वध इलैक्ट्रॉनों की गिनती पता करने निम्नलिखित विचों किस सूत्र की वरतों की जाती है? 2N² मान लो असी के शैल के इलैक्ट्रॉन देखने हैं तो के लिए असी एन नूं एक भर देंगे, पहला शैल है ही, तो 2 × 1 = 2 मतलब 2 इलैक्ट्रॉन। जे असी एल शैल लई उत्थे असी 2 भर देंगे, 2 × 2 = 2 इनू हल करके 2 × 2 = 8 इलैक्ट्रॉन। ठीक है, वध तो वध पहले शैल के 2 फिर 8 एवें इलैक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। असी हेठ लिखे विचों किहड़ा उपकरण बिजली धारा के तापन प्रभाव से काम नहीं करता? टोस्टर प्रेस हीटर, ये बिजली धारा के तापन प्रभाव से काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी से। किहड़ा नहीं काम करता बेटा? पखा फैन। जदों बारिश दी बूंदा ते सूरज की रोशनी पैंदी है तो सतरंगी पींग बनदी है। हेठ लिखे प्रकाशी वर्तारियां विचों किहड़ा इसलिए जिम्मेवार है? इसलिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विखेपण ते संपूर्ण अंदरूनी परिवर्तन तीनों ही जिम्मेवार हैं। ठीक है बेटा, मनुखी अख दे रटीना दे बन वाले प्रतिबिंब की प्रकृति की होंगी है? प्रतिबिंब है जिहड़ा वह वास्तविक ते उल्टा हुंदा है। ठीक है बेटा, वास्तविक ते उल्टा। उत्तल दर्पण की वरतों वाहनों के पिछे ट्रैफिक नूं वेखण लई कीती जांदी है, क्योंकि इस द्वारा बनिया प्रतिबिंब हुंदा है छोटा, कदा छोटा प्रतिबिंब हुंदा, एक की हुंदा सीधा। ठीक है, जिहड़ा उत्तल दर्पण है वह व्यू है जिहड़ा वह ज़्यादा दिखाउंदा है, पर प्रतिबिंब की बनाउंदा? छोटा बनाउंदा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हुंदी है बेटा? इनफाइनाइट, अनंत हुंदी है। ठीक है, समतल दर्पण है जिहड़ा दी फोकस दूरी की हुंदी है? इनफाइनाइट। मनुखी अख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कित्थे बनाउंदी है? रैटीना ते। ठीक है बेटा, इहदा सिंपली सी शॉर्ट सर्किटिंग दौरान करंट आ जिहड़ा वह बहुत ज़्यादा वध जाता है, वधदा है। हेठ लिखा विचों ओम दे निजम नूं दर्शाउंदा किहड़ा सूत्र बिल्कुल सही है? ओम दा निजम की हुंदा है? पोटेंशियल अंतर है दो किसी तार दे सिरां विचकार, उह सिद्धा अनुपाती हुंदा बिजली धारा दे, यानी कि वी इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू सिद्धा अनुपाती करंट दे आई दे। तो इत्थों असीं लिखदे हुंदे आ वी इज इक्वल टू IR, इस नूं असीं बोलदे आ ओम दा निजम, वी इज इक्वल टू IR। फस्ट ऑप्शन सही है जो 30 ओम 50 ओम अते 80 ओम नूं लड़ीवार सर्किट में जोड़िया गया, तिन्ने प्रतिरोधकों का तुल प्रतिरोध पता करो। जदों असीं लड़ी जोड़ते हैं
तां तुल प्रतिरोध इन्हां दे जोड़ दे बराबर हो जांदा है। ठीक है बेटा, तां जोड़ दो किन्ना हो जू टोटल जोड़ इन्हां दा 160 ओम। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है जिहड़ी साडी सही है जी। जदों दो या दो तो ज़्यादा प्रतिरोधां नूं लड़ी विच जोड़िया जांदा है तां उह किहड़ी भौतिक राशि है जिहड़ी उन्हां विच स्थिर रहिंदी है। बेटा किहड़ी स्थिर रहिंदी है? बिजली धारा, करंट। चुंबकी बाल रेखावां हेठ लिखे विचों किहड़ा कथन सही है? ਇਹ ਧਰੁਵਾਂ ਨੇੜੇ ਸੁੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਤਾਰ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਹਾਓ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਰੁਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਟਾ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਲੋ 'ਚ? ਹਜ਼ਾਰ। ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3600। ਠੀਕ ਹੈ, 3600 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 36 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? 1, 2, 3, 4, 5। ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। 3.6 × 10⁻⁶ ਜੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਜੂਗੀ ਸਾਡੀ? ਪਹਿਲੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਕਲੀ ਵਿਖੰਡਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ। ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ? ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ, ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਪਘਟਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਪ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਪ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਇਆ? ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਪਿਘਲਣਾ, ਮੈਲਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕੋਪਰ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੋਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕੋਪਰ ਪਲੱਸ H2O। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਲਘੂ ਕਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਕਰਨ, ਮਤਲਬ H2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਕਰਨ
हो रहा है। हुण असीं जे लघुकरण देखना हो, लघुकरण जिहदे विच्चों ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, बाहर किहदे विच्चों निकल रही है, कॉपर ऑक्साइड दे विच्चों, तां इहदा की हो रहा है, साडा की हो रहा है लघुकरण, कॉपर ऑक्साइड का लघुकरण हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हाइड्रोजन गैस। हुण जिहदा ऑक्सीकरण हो रहा वो कम करेगा लघुकारक वजों, मतलब ये की है लघुकारक, तो यह की है भी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण में मदद करता है, कि है ऑक्सीकारक है, बस उल्टा है, जिहदा ऑक्सीकरण हो रहा वो लघुकारक है, जिहदा लघुकरण हो रहा वो की है ऑक्सीकारक है। चलो हुण अपने क्वेश्चन दे विच असीं की पुछना सी, ऑक्सीकरण किहदा हो रहा है तो लघुकरण किहदा हो रहा, ऑक्सीकरण H2 का हो रहा, लघुकरण कॉपर ऑक्साइड का हो रहा, तो H2 तो कॉपर ऑक्साइड आ जिहड़ा साडे लई सही ऑप्शन आऊगी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, तत् एक्स वाई जैड के क्रम के परमाणु अंकर्म जर 8, 12 तो 17 हैं, इन्हों विचों केड़े तत् इको पीरियड नाल संबंध रखते हैं, इको पीरियड नाल संबंध वो रखेंगे जिदे में शैलों की संख्या नंबर ऑफ शैल्स आ सेम होंगे। ठीक है, तो एक्स का जो परमाणु अंक 8 है, जो असं यदि इलैक्ट्रॉनिक तरतीब देखिए बनूगी 2, 6, मतलब ये दो ही शैल ने। वाई का जो परमाणु अंक इन्होंने 12 दिता, उसकी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2, 8, 2 बनूगी। जैड का जो परमाणु अंक सानू इन्होंने दिता 17, तो वो इलैक्ट्रॉनिक तरतीब बनूगी 2, 8, 7। तो तुम ये देखो भी कि शैलों की संख्या नंबर ऑफ शैल वो बराबर आ रहे हैं, देखो भी ये भी शैल 3 ने, ये भी 3 शैल ने, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जोड़े वाई तो जैड ने वो इको पीरियड नाल संबंध रखते हैं। ठीक है, इको पीरियड नाल संबंध रखते हैं वाई और जैड, थर्ड ऑप्शन। तो जो दी पीएच नूं की हुंदा, जो दही बनती है पीएच है जी घटती है। नैक्सट क्वेश्चन, चिपको अंदोलन द्वारा महत्वपूर्ण संदेश की है। चिपको अंदोलन है जो जंगलों की संभाल लई चलाया गया सी, दरख्तों नूं बचाउण लई, तो वह भी महत्वपूर्ण संदेश की है भी जंगलों की संभाल के यत्नां विच भाईचारे नूं शामिल किया जाए। ठीक है, ये सीगा पहली ऑप्शन। बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है, ये 3 बराबर समान लंबाई वाले भागों में वंडिया, जो समांतर जुड़े हैं, तुल प्रतिरोध की है। पहला 18 ओम है, इस 3 बराबर भागों में वंडदे आ, पहले का भाग जो तीनों ने उन्हों का असं प्रतिरोध देखते हैं, पहला तो किन्ना किन्ना हो, तो इन्हों का हो गया 6 ओम, इतने भी 6 ओम, मतलब तिना च बराबर वंडिया गया, है कट्टिया गया जो लंबाई 6 ओम 6 ओम। हूँ असी इनू जे समांतर जोड़ा तो तुल प्रतिरोध 1/r, मतलब 1/6 + 1/6 + 1/6, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एवं लिखते होंगे समांतर के, असी 6 असी लै लेंगे उत्तम, 1 + 1 + 1 मतलब 3/6, 1 ते 2 3 हो जाएंगे टोटल 3/6, 1/r = 3/6, जो असी कह लिए आर बराबर तुल प्रतिरोध बराबर 6/3, तो भाग कर देंगे किन्ना आजगा 2 3 × 6 होंगे, तो तुल प्रतिरोध इन्हों का की आजगा 2 ओम। ठीक है, कि ऑप्शन आजगी बेटा, फर्स्ट ऑप्शन सही आजगी। दिता गया दर्पण वस्तु के बराबर आकार का उल्टा प्रतिबिंब बना है, दर्पण केड़ा होएगा, अवतल दर्पण होएगा, कनकेव मिरर होएगा। ठीक है बेटा, ये सी तुहाडी लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 6 10वीं जमात लई साइंस विषय लई। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कोई भी वर्कशीट नहीं देखी तो तुहानू इस चैनल ते एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10वीं साइंस नैस बुकलेट नाल संबंधित, तो तुम उस दे विच्चों अपने सारे जिहड़े प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आ उन्होंने सही आंसर आ जिहड़े वो जान सकते हो, तो इन्हां दी तुसीं वधिया ढंग नाल तैयारी करनी है, तां जो तुसीं टर्म 1 नैस अते फाइनल एग्जाम विच्चों वधिया अंक लैके पास हो सको। थैंक यू बेटा।